नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर निकल के सामने आ रही है और किस प्रकार से दो खूंखार विद्रोही संगठन मिलके हो गए हैं एक, और पाकिस्तान को मिली है सीधी धमकी कि बलूचिस्तान प्रांत को आजाद कराया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बलूचिस्तान के विद्रोही पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं और ये उनके लिए काल भी साबित हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान में सीपीएक के खिलाफ बलूचिस्तान की आम जनता जोरदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है, परंतु जो पाकिस्तान की सेना है वो बलूचिस्तान की आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। और दोस्तों, इसी से तंग आकर अब बलूचिस्तान के कुछ नागरिकों ने हथियार उठा लिए हैं। और पिछले ही दिनों आपने तो यह सुना ही होगा कि पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे गए, और दोस्तों इन्हीं सैनिकों को बलूचिस्तान के उन्हीं नागरिकों ने मारा था जो कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। और दोस्तों, अब इन्हीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के जवानों के द्वारा पाकिस्तानी सेना को सीधी धमकी दे दी गई है कि पाकिस्तानी सेना जो बलूचिस्तान में अपना जंगल राज चला रही है उसको हम उखाड़ फेंकेंगे, इसके अलावा चीन और पाकिस्तान का जो सीपैक प्रोजेक्ट है उसको भी हम तबाह कर देंगे। और इसी के साथ पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दो बड़े विद्रोही गुट एक हो चुके हैं और इन्होंने बीएलए की अब बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी नाम की एक नई सेना बनाई है जिसका एक ही काम है पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से खदेड़ना और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग करके एक आजाद देश बनाना। इसके अलावा चीन जो बलूचिस्तान में निवेश कर रहा है और पाकिस्तानी सरकार जो चीनियों का साथ दे रही है उनको मुंह तोड़ जवाब देना, इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाना। और दोस्तों, इसी मकसद के कारण जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दो बड़े गुट जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे आज एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं और एक साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बाकी दोस्तों, अब आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है और क्या पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान में किए गए अत्याचार की सजा मिलने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।